क्या मोहम्मद शमी बीजेपी से एसोसिएट होने जा रहे हैं? क्या मोहम्मद शमी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जी, इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे और उसका रीजन कुछ बहुत सारे रीजन है। अभी फ्रेश रीजन जो है वो ये कि मोहम्मद शमी ने एक ट्वीट करा, एक स्टोरी डाली फिलहाल, जो कि लंदन में है, उनकी हील की सर्जरी हुई है। और उसके बाद जब उन्होंने वो स्टोरी डाली तो उस पर स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिप्लाई करा। मोदी जी ने लिखा कि एक सक्सेसफुल जो सर्जरी हुई है फिलहाल शमी की, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उसको स्पीडी रिकवरी कहता हूँ, जल्दी उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, जल्दी वो दोबारा से रिकवर हो जाए। और मुझे पता है कि जिस तरह से शमी के अंदर जो करेज है, जो उनका इंटीग्रल करेज है उनकी, उससे वो बहुत जल्दी अपने इस सर्जरी से और अपने इस रिकवरी से ओवरकम कर जाएंगे और वापस से हम उन्हें ग्राउंड में देखेंगे। मोदी जी के रिप्लाई आने के बाद लोगों ने हर तरह की बात शुरू कर दी कि क्या बात, आजकल शमी बीजेपी से काफी ज्यादा एसोसिएटेड दिख रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आकाश सक्सेना, जो कि रामपुर के विधायक हैं, वो भी बीजेपी से एसोसिएटेड हैं, उनके साथ भी शमी काफी दिख रहे थे। तब भी लोगों ने ऐसा ही कहा था कि शमी भाई क्या प्लान है, क्रिकेट के बाद कुछ और भी प्लान चल रहा है क्या? खैर, शमी ने उस पर रिप्लाई भी करा मोदी जी का। उन्होंने कहा कि ये एक सरप्राइज था मेरे लिए कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने मुझे विश करा, मुझे स्पीडी रिकवरी विश करा और मेरे लिए एक पर्सनल नोट लिखा। ये उनके लिए बहुत काइंडनेस और थॉटफुलनेस है कि उन्होंने मुझे मेरे लिए एक मैसेज भेजा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का और लगातार जिस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से विशेज दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर उस इंसान का जो मुझे वेल विशेज भेज रहा है। जब वर्ल्ड कप हम हारे थे उसके बाद भी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर मोदी जी ने शमी को गले लगाया था और पीठ पर टैप करते हुए कहा था कि कोई बात नहीं शमी, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, हार जीत होती रहती है, मैच है, कोई बात नहीं, ऐसे करके उनको सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। उस टाइम भी काफी तरह की बातें हो रही थी। तो शमी ने फिलहाल एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी हार्डवर्क के, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करते हुए मोदी जी को कहा कि मैं अपनी ये हार्डवर्क और अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्द से जल्द हो सके वापस से अपनी क्रिकेट फील्ड पर आ जाऊं। लेकिन क्रिकेट फील्ड पर तो खैर हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं, बट फिलहाल वो आईपीएल 2024 में आपको नहीं दिखेंगे और उम्मीद ये भी है कि वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएंगे। कुछ 4-5 महीने का टाइम लगने वाला है इस पूरी रिकवरी में और इस पूरी रिकवरी के बाद हो सकता है इस ईयर के एंड में, जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा खेलने, वहां आपको मोहम्मद शमी दिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए खबर बस यही थी कि जिस तरह से शमी की अलग अलग फोटोज, वीडियोस और कॉन्वर्जेशन चल रही हैं उस पर लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या शमी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स को हमने देखा है, क्रिकेटर्स जैसे एग्जाम्पल हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि मुरादाबाद से हमने देखा था उनको चुनाव लड़ते हुए। तो यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब शमी फिलहाल तो हम ये चाहेंगे, पॉलिटिक्स तो बहुत दूर थी, फिलहाल हम चाहेंगे वो क्रिकेट फील्ड पर वापस आ जाएं और क्रिकेट फील्ड पर वापस आने के बाद एक बार फिर से वही जलवा दिखाएं जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, सो दैट एक बार फिर से इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो है वो स्ट्रांग हो सके। क्या आपको लगता है कि शमी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वो बीजेपी में भी अभी मे बी सपोर्टिंग, मे बी रैलीज में कहीं दिख जाएं, या इफ नॉट देन अभी देन मे बी क्रिकेट के बाद कहीं अगर इलेक्शन ज्वाइन करने का, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो क्या बीजेपी वाले रास्ता वो अपना सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।